Brought to you by Biz Analyst by Khatabook. कोरोना की तीनों लहरों से उबरकर देश के कारोबार जगत ने तेज रफ्तार पकड़ने का दम दिखाया है। वित्त मंत्रालय के साथ ही जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की रिपोर्ट में भी आर्थिक रिकवरी की तेज रफ्तार का दावा किया गया है। इस सब के असर से इस साल कर्मचारियों की सैलरी में भी अच्छी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। एओन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की मार से उबरते हुए देश का प्राइवेट सेक्टर इस साल कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9.9% की बढ़ोतरी करेगा। एओन के मुताबिक ये 2016 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी। यही नहीं, ये इंक्रीमेंट ब्रिक्स देशों के मुकाबले भी ज्यादा होगा। एओन के मुताबिक भारत में कर्मचारियों के वेतन में सबसे ज्यादा 9.9% की बढ़त का अनुमान है, जबकि रूस में 6.1%, चीन में 6% और ब्राजील में 5% सैलरी बढ़ने का अनुमान है। जिस तरह से कॉर्पोरेट इंडिया ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए भरोसा है कि वो कर्मचारियों को भी कारोबार में जारी तेजी का फायदा पहुंचाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जिन सेक्टर्स में कर्मचारियों के वेतन में सबसे ज्यादा इजाफा होने का अनुमान है, उनमें शामिल हैं ई कॉमर्स और वेंचर कैपिटल, आईटी आधारित सर्विस और लाइफ साइंस क्षेत्र। सैलरी देने में भले ही भारत कई देशों से आगे है, लेकिन खाली वैकेंसीज को भरने में ये सबसे पीछे है। एओन के मुताबिक 2021 में खाली पड़े पदों को न भरने की दर 21% बढ़ी, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 12.8% था। एओन ने 40 से ज्यादा उद्योगों की 1500 कंपनियों के सर्वे के बाद ये रिपोर्ट जारी की है। वहीं एक और अनुमान कॉर्न फेरी इंडिया का आया है, जिसने इस साल 9.4% सैलरी बढ़ने का अनुमान जताया है। कॉर्न फेरी इंडिया के मुताबिक 2021 में औसतन बढ़ोतरी 8.4% थी। टेक कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी इस साल 10.5% और कंज्यूमर क्षेत्र में 10.1% बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद लाइफ साइंस में 9.5%, सर्विस ऑटो और केमिकल कंपनियों में 9% तक सैलरी बढ़ सकती है। जाहिर है जिस तरह से अब कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी हायरिंग शुरू हो गई है, उससे इस बात का भरोसा बढ़ा है कि इंक्रीमेंट भी सभी सेक्टर्स में होगा। ऐसे में करीब डबल डिजिट की ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगी।